नहीं साहब, खुलासा हुआ है, पर साहब हम उस पर आपका संतुष्ट नहीं। उस जगह मारा है, उस जगह डाला, ये पागल का काम तो नहीं है। काफी दिनों से बरेली की एक खबर सुर्खियों में है, शायद आपने भी सुनी होगी कि बरेली का एक साइको किलर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि साइको किलर की गिरफ्तारी के बाद ये केस बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि साइको किलर की गिरफ्तारी के बाद हर दिन एक नया सवाल खड़ा होने लगा। इस बार माजरा कुछ ऐसा है कि कुलदीप यानी साइको किलर ने जिसकी हत्या की थी, उसके परिजनों ने कुछ ऐसा कहा जिसे जानने के बाद कई और सवाल खड़े हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इससे पहले हम इस खबर पर आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बरेली जिले में सिलसिलेवार तरीके से हुई 6 महिलाओं की हत्याओं के मामले में पुलिस ने आरोपी कुलदीप गंगवार को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा किया है, उस पर मृतका अनीता देवी के परिजनों को यकीन नहीं है। उन्होंने बरामदगी में दिखाए गए सामान पर सवाल उठाए हैं। हाउसपुर गांव निवासी सोमपाल, जो कि अनीता देवी के पति हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने जिस युवक को पकड़ा है वो मानसिक रूप से कमजोर है, अनीता की हत्या उसी ने की है, इस पर हमें यकीन नहीं। हमने शक के आधार पर जिन लोगों के नाम बताए थे, पुलिस ने उनमें से अभी तक किसी से पूछताछ तक नहीं की। अनीता के पुत्र राजीव ने बताया कि पुलिस ने जो आधार कार्ड आरोपी के पास होना बताया है, वो उनकी मां के शव के पास पड़ी थैली से उसी दिन मिल गया था जिस दिन उनकी हत्या हुई थी। पुलिस ने हमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिंदी का पैकेट, फटा हुआ ब्लाउज दिखाया था। आप एक बार अनीता देवी के पति सोमपाल की पूरी बाइट सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? सोमपाल। सोमपाल, कहाँ रहते, कहाँ आप? हाउसपुर। हाउसपुर, अनीता देवी के पति हो जी? जो अनीता देवी की हत्या हुई थी जी। जी, अच्छा, ये कल पुलिस ने खुलासा किया है, एक जो युवक को पकड़ा है कुलदीप गंगवार को, नवाबगंज के समूह का रहने वाला है, जानकारी है आपको? ना साहब, हमें जानकारी ना है, ना हम उसे जानते नहीं, हमने कभी देखा है नहीं। ये जानकारी है, खुलासा हो गया अनीता देवी हत्याकांड का, कि इसी ने हत्या की है? नहीं साहब, खुलासा हुआ है, पर साहब हम उस पर आपका संतुष्ट नहीं। अच्छा, वजह? वो साहब मान पागल टाइप का। अच्छा, नहीं तो पागल टाइप का तो मार भी सकता है ना? मार तो सकता है, तो सर ऐसे करके कैसे पागल, तो बहुत दिनों से ऐसे बहुत कुछ हो चुका है, ऐसे कैसे मान लिया? बताओ पूरी लाश फास चेंज वही है बहुत। हाँ, उस जगह मारा है, उस जगह डाला, ये पागल का काम तो नहीं है। पुलिस कह रही है उसके पास अनीता देवी का आधार कार्ड भी मिला है। झूठ बोल रही है, बिल्कुल। तो पुलिस को मिला है? पुलिस को उसी दिन मिल गया था जिस दिन अनीता देवी की हत्या हुई थी। हाँ, उसी दिन मिल गया। कहाँ मिला था? जहाँ बॉडी मिली है उन्हें वहीं पर मिला है, हमें ऐसो साहब ने दिखाया है बॉडी, हम जब तक पहुँचे हैं। और क्या क्या मिला था उस समय पुलिस को? बिंदी है और प्रसाद उरसाद चढ़ा के आई वो था, और पकौड़ी थी उनके, बैंक की पासबुक थी, ब्लाउज का टुकड़ा था। ब्लाउज का टुकड़ा। आप अनीता देवी की कौन है? ननद है। अच्छा अच्छा, आप भी उस दिन आई थी? खबर पड़ गई दूसरे दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको दिखाया था उस दिन पुलिस ने? हमको भी दिखाया, हमको भी दिखाया। अच्छा अच्छा, अभी बाद में क्या मतलब, आधार कार्ड भी दिखाया था अनीता देवी? आधार कार्ड, बैंक की किताब थी, प्रसाद था, और बिंदी के पैकेट थे पन्नी में वो। अच्छा, वो दिखाए इस पे भी कि कुलदीप के पास मिले? नहीं, ये गलत है, ये तो गलत। उसी दिन हमें दिखा दिए थे जिस दिन मर्डर हुआ, तो साहब ने हमें दिखा के बोले ये कपड़ा निकला है, ब्लाउज का एक टुकड़ा था उसी दिन, दूसरे दिन प्रसाद और पकौड़ी और आधार कार्ड। अच्छा अच्छा, बैंक की पासबुक जो चीजें, ऐसे साहब ने हमें खुद स्वयं दिखाया। अच्छा अच्छा, तो अब उसके कुलदीप के पास पुलिस कह रही है, तो इस चीज को आप गलत मान रहे हो? हाँ, फर्जी खुलासा मान रहे हो आप? झूठा है ये, झूठा खुलासा है, मतलब इसने अनीता देवी की हत्या नहीं की है? मुझे गलत बोलना है, ये भी तो हमें तो लग रहा है ये नहीं किया, मतलब बाकी लोगों के, क्योंकि 6 महिलाओं की हत्या इसी ने कबूली है कि हमने 6 महिलाओं की हत्या की है, तो आपको ऐसा लग रहा है अनीता देवी की इसने नहीं की है? साहब हमारी नजर में, हमारी समझ में आ रही है कि करेंगे। अच्छा, आप तो उस दिन मौके पे गए थे ना? हाँ, मौके पे गए थे साहब, जब तक हम पहुंचे यहाँ से तब तक बॉडी उठवा दी थी। अच्छा, आपको दिखाई नहीं थी बॉडी? बॉडी नहीं मिली, गलती ही गई। तो अब ये पुलिस को जो इसने खुलासा किया है, कि आप कहीं और शिकायत उच्च अधिकारियों के खिलाफ या कहीं पर करेंगे क्या? जब साहब हमारा खुलासा अभी, हमारी हमें सही समझौता नहीं मिलेगा तो हम कैसे मान जाएंगे? मतलब वास्तविक कातिल को आप चाह रहे हो वो आए? हाँ, असली कातिल मिले, ये कातिल नहीं है अनीता देवी, हमारी नजर में नहीं है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव हौसपुर के रहने वाले सोमपाल की पत्नी अनीता देवी की हत्या 2 जुलाई को हुई थी। अनीता की उम्र तकरीबन 46 साल थी। उनका शव शाही थाना क्षेत्र के बुजिया जागीर के खेतों में पड़ा मिला था।
वो घर से थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव खिरका अपने मायके गई थी और अगले दिन वहां से अपने गांव हाउसपुर लौट रही थी। इसके बाद देर शाम उनका शव बरामद हुआ था। उनके गले में भी साड़ी से फंदा कसा हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप को घटनास्थल पर ले जाया गया। उसने अनीता की हत्या की बात कबूल की थी, लेकिन अनीता के परिजनों को पुलिस की कहानी पर यकीन नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।